हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल एट योर होम। स्टूडेंट्स, जैसे हम आप लोग जो हमारे हमने लास्ट वाले जो दो चैप्टर कंप्लीट कराए हैं वो आप सबने आई होप कंप्लीट कर लिए होंगे अच्छे से। तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बैम्बू करी। तो बैम्बू मीन्स आप जानते भी होंगे, बैम्बू मीन्स होता है बांस, और करी जो होता है, करी किसे बोलते हैं? करी हमारी एक डिश होती है, डिश का नाम है उसका, उसको करी बोलते हैं। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? तो वो पूछ रहा है, हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू, कि जो आप, क्या आप लोगों ने कभी ऐसी कोई डिश बनाई है या खाई है जो बांस से बनी हुई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। कुक्ड मैंने होता है पकाना और ईटन मैंने होता है खाना। तो जो ये स्टोरी है, पिक्चर स्टोरी है हमारी, उसके माध्यम से हम जानेंगे कि हम बांस का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसे आप खा सकते हो और बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं हार्ड वर्ड इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड बताती हूँ तो आप उसे अंडरलाइन करते जाएं और नोट डाउन भी करते रहें साथ साथ, बिकॉज़ वो आपको लर्न भी करने हैं। स्टार्ट फर्स्ट जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए सेंथल ब्रिज ग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिट हर। जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोगों के यहाँ कोई न्यू मेहमान आता है, जो फर्स्ट टाइम आपके घर आता है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करते हो। तो जैसे ऐसे ही जो सेंथल ब्रिज ग्रूम था, ब्राइड ग्रूम किसे बोलते हैं? ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है BRIDEGROOM, ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम्स मैंने होता है दूल्हा, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड बोलते हैं दुल्हन को और ब्राइड ग्रूम दूल्हे को बोलते हैं। तो वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए सेंथल ब्राइड ग्रूम कुक्ड ए स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिट हर। तो उसकी मदर इन लॉ बोलते हैं सास को। आप लोग नोट डाउन भी करते जाएं साथ साथ, अंडरलाइन करते जाएं वर्ड मदर इन लॉ सास। एक दिन जो सेंथल दूल्हा है वो अपनी सास के घर जाता है और वहाँ पर वो उसके लिए, जब वो उसके यहाँ जाता है तो वो उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाती है। स्पेशल दिस करी इज डिलीशियस। करी आपको पहले ही बताया कि करी जो है वो एक डिश का नाम है। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, तो आप अंडरलाइन करते रहे, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। दिस करी इज डिलीशियस, वो जो करी है वो बहुत अच्छी थी, बहुत स्वादिष्ट थी। व्हाट इज इट? तो जो हमारा सेंथल ब्राइड ग्रूम है, ब्राइड ग्रूम जो दूल्हा है, वो अपनी जो मदर इन लॉ उससे क्वेश्चन करता है, जो क्वेश्चन पुट अप करता है वो करता है व्हाट इज इट, कि यह है क्या है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। पॉइंटेड का मतलब होता है, आप पॉइंटेड को भी नीचे से अंडरलाइन करें, पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना। बैम्बू डोर BAMBOODOR, बैम्बू डोर, बैम्बू डोर मीन्स होता है बांस का दरवाजा। तो वो जो उसकी मदर इन लॉ है वो पॉइंट करती है, इशारा करती है दरवाजे की साइड। तो वो दरवाजे की साइड जो हमारा लकड़ी का, सॉरी, जो बांस का दरवाजा बना हुआ है, वो उसकी साइड हाथ करके या इशारे से बताती है कि ये इससे बनी हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, लीव मैंने होता है वहाँ से जाने के लिए, जस्ट मैंने जैसे ही वो वहाँ से जाने के बारे में सोचता है या वहाँ से जाने वाला होता है, ही रिमेम्बर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। रिमेम्बर्ड मैंने याद आता है, तो तभी उसे याद आता है, विलेज मीन्स होता है गांव, तो तभी उसे याद आता है कि उसके गांव में तो कोई भी बांस नहीं है। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेट फॉर हिज होम। रिमूव्ड का मतलब होता है उखाड़ना या अलग करना। बैम्बू डोर बांस का दरवाजा, कैरिंग मैंने ले जाता है, लेफ्ट बांस, होम मैंने घर। तो वो वहाँ से क्या करता है, इसलिए उसे याद आता है कि उसके घर में, उसके गांव में एक भी बैम्बू नहीं है, एक भी बांस नहीं है, तो वो वहाँ से
क्या करते हैं, इसलिए वो उस बैम्बो डोर जो होता है, जो बांस का दरवाजा है, उसे वहां से उखाड़ता है और अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विथ दिस बैम्बो डोर। रीचिंग मैंने होता है पहुंचना, जब वो वहां पर पहुंच जाता है, RECHING, रीचिंग। वाइफ WIFE, वाइफ मीन्स होता है पत्नी, करी का आपको पहले ही बता दिया है मैंने, तो इसका जो है, ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ, जब वो अपने गांव में पहुंच जाता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, मेक करी विद हिज बैम्बो डोर, कि इस बांस के दरवाजे से तुम करी बनाओ। सी वॉज शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, अचंभित हो गई, अचंभित, बिल्कुल अचंभित थी वो। हाउ कैन आई मेक करी आउट ए बैम्बो डोर, और वो सोचती है कि मैं एक जो बैम्बो डोर है, एक जो बांस का दरवाजा है, उससे करी कैसे बना सकती हूँ। कम आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बैम्बो। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो डिफिकल्ट वर्ड है उसे अंडरलाइन करते जाएं, इसमें आया चॉपिंग, CHOPPING, चॉपिंग, चॉपिंग मैंने होता है काटना। कम आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बैम्बो ही सेड, वो जो उसका हस्बैंड है, जो ब्राइड ग्रूम है, वो अपनी वाइफ से बोलता है कि आओ मैं तुम्हारी इसे काटने में सहायता करता हूँ। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, बॉइल्ड का मतलब होता है उबालना, उसकी पत्नी उसे जो उसने बैम्बो है जो उसे कटिंग करके उसने जो पूरा का पूरा बैम्बो डोर था उसमें से कुछ बांस के जो पूरी छड़ है उसे निकाल के कटिंग करके एक बर्तन जो है उसमें उबालने के लिए रख दिया, बॉयल होने के लिए रख दिया। तो वो अपनी वाइफ, उसकी जो वाइफ है, वो उसे उबालती है और उबालती है। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्ट इट ही सेड, कुछ टाइम के बाद, लेटर मैंने कुछ समय पश्चात, हस्बैंड उसका पति, टेस्टेड मैंने चखना, क्या होता है टेस्टेड मैंने चखना, तो उसका जो पति है वो थोड़ी देर के बाद जब वो उसे टेस्ट करता है, वह कहता है इट इज टू हार्ड टू ईट, हार्ड मैंने क्या होता है सख्त, ईट मतलब खाने के लिए, वो उसे कहता है कि यह तो खाने में बहुत ही हार्ड है, यू डोंट नो हाउ टू कुक, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि इसे कैसे बनाया जाता है। नो, KNOW, नो मैंने होता है जानना। हिज वाइफ एडिड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी पत्नी उसमें और पानी ऐड करती है, मोर का मतलब और उसमें और पानी ऐड करती है, एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, और उसे उबालती है और उबालती है। इट इज स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट, वो कहता है कि ये तो अभी भी बहुत हार्ड है, मैं इसे खा नहीं सकता। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, इन लॉज मतलब उसके जो सास ससुर थे, केम आना, विजिट मैंने यात्रा करना, यंग कपल जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनके बारे में बात हो रही है। दैट इवनिंग मतलब उसी श्याम, दैट इवनिंग बोलेंगे उसी श्याम, तो उसी श्याम जिस टाइम, जिस श्याम को वो बैम्बो करी बना रहे थे, तो उसी श्याम उसके जो इन लॉज हैं वो उनके घर पर आते हैं। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिसनेस, वो फुलिसनेस, फुलिसनेस का मतलब होता है, जो फुलिसनेस का मीन्स हुआ वो हुआ यहाँ मूर्खता। लाफ्ट मैंने हंसना, दे मैंने वे, ऑल मैंने सभी, तो वे सभी उनकी जो मूर्खता है उसकी मूर्खता पर बहुत ही हंसते हैं। द मदर इन लॉ सेड, जो उसकी सास है, मदर इन लॉ आपको पहले बताया मैंने, मदर इन लॉ मीन्स सास, तो उसकी सास कहती है, डिड नॉट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बो सूट एंड नॉट फ्रॉम ए बैम्बो डोर। मेड मैंने बनाना, बैम्बो सूट मीन्स होता है जब हमारा बांस होता है वो अंकुरित होता है, जब तो उसके ऊपर, बांस के ऊपर ही एक उसकी कलियां आती हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो वो कहती हैं कि जो करी है, जो बैम्बो करी है, वो बैम्बो सूट से बनती है और वो बैम्बो डोर से नहीं बनती हैं। तो इसी के साथ आपके जो ये वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, तो अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स पे
आ जाइए क्वेश्चन आंसर हम इसके देखते हैं। देखिए आप ध्यान से पढ़ते जाइए और जो मैं भी बता रही हूँ अभी वो भी नोट डाउन करते जाएंगे। इसमें आपको खुद ही फिल करना है, तो आप अपनी नोटबुक और पेंसिल साथ में लेकर बैठें और तभी आप जो भी बताया जाए उसे अंडरलाइन करते जाएं, अपनी बुक्स में अंडरलाइन करें, ध्यान से देखें सुने, और जो आपको अगर हो सकता है आपको कोई बात समझ ना आ रही हो तो यू कॉल मी, देन आई गिव द सॉल्यूशंस। कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुल्ली। मीनिंगफुल्ली का मतलब होता है जिसका कुछ मीन्स हो, जिसका कोई मतलब हो। तो आपको ये ऐसे वर्ड ऐसे बनाने हैं सेंटेंसेस जो मीनिंगफुल बन जाए। द ब्राइड ग्रूम लेट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ। द ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का मीन्स आप समझ गए होंगे दूल्हा, विद द डोर, जो डोर था बैम्बो डोर था, हिज इन लॉज हाउस, वो जो दूल्हा था वो बैम्बो जो डोर था, जो पूरा बांस का दरवाजा है, उसे उनके घर से क्यों लेकर जाता है। बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ, क्योंकि वो बना हुआ था, मेड ऑफ तो इसमें आ जाएगा बेटा बैम्बो, BAMBOO, बैम्बो। एंड देयर वॉज नो बैम्बो इन हिज, इसमें आएगा विलेज, क्योंकि उसके गांव में कोई भी बांस नहीं था। तो आप फर्स्ट वाले में फिलअप करेंगे बैम्बो, BAMBOO, एंड सेकेंड वन में आप जो फिल करेंगे वो करेंगे आप विलेज, VILLAGE। आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो सेकेंड वन पे आ जाते हैं। द ब्राइड ग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बो करी इन द एंड बिकॉज, जो ब्राइड ग्रूम था, जो दूल्हा था, अनेबल मतलब अक्षम, बैम्बो करी, जो बांस की कढ़ी है, जो करी बनाई थी उसने, वो लास्ट एंड मतलब एट लास्ट अंत में, जो दूल्हा था क्या वो लास्ट में बैम्बो करी खाने में असक्षम रहा, बिकॉज, क्योंकि। तो आप इसमें फिल करेंगे इट वॉज टू हार्ड, IT, आई होप आप कर रहे होंगे, इट वॉज टू हार्ड। सेकंड पे आ जाते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वर्ड हिंट। तो आपको इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। आपको स्टोरी से ही इसमें फिलअप करने हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज, जो ब्राइड ग्रूम था वो कहाँ पे विजिट करने के लिए गया। तो आपको इसमें फिल जो करना है वो करना है मदर इन लॉ, MOTHERINLAW। ये कंप्लीट हो गया होगा आपका। तो सेकंड देखिए, द मदर इन लॉ पॉइंटेड, किसके साइड इशारा करा था उसने, तो इसमें क्या आएगा at, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बो डोर। थर्ड देखिए, ही स्टे द नाइट, इसमें आ जाएगा बेटा विद, WITH, विद, ही स्टे द नाइट विद हिज इन लॉज। फोर्थ देखिए, ही कैरीड द, इसमें आएगा बैम्बो डोर बैक विद हिम, बिकॉज वो जब वो वापस आया था तो वो अपने साथ क्या लेकर गया था, बैम्बो डोर, BAMBOO DOOR, बैम्बो डोर। द करी वॉज मेड, इसमें आएगा बेटा फ्रॉम, FROM, फ्रॉम बैम्बो शॉर्ट्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस वेल। तो बच्चों आपको जो भी इसमें होमवर्क दिया हुआ है वो सब अच्छे से कंप्लीट करना है, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उसे हमसे भी पूछ सकते हैं, आप कॉल करिए पूछिए। थैंक यू।